my dear friends, how are you all? So here I am with my third lesson, that is article the, right? In our third lesson, we are going to discuss about article the. Article the is a definite article. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. Article the is a definite article. It's a definite article, right? So हमने अपने पिछले लेसन में डिस्कस किया था यूज़ ऑफ ए एंड एन, राइट. ए और एन हमारे आर्टिकल हैं, तीन आर्टिकल्स हैं, राइट. ए, एन और द. हमने अपने लास्ट जो लेसन किया था, लेसन नंबर टू, उसमें हमने किया था आर्टिकल ए और एन. हमने वो डिस्कस किया था कि आर्टिकल ए और एन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल द. आर्टिकल द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. ये याद रखना, आर्टिकल द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. डी ई एफ आई एन आई टी ई, डेफिनेट आर्टिकल. And now today in this lesson, lesson number 3, we are going to discuss the uses of article the. Article the जो है वो कहाँ कहाँ पर use होता है और किस किस चीज़ के साथ हम article the use करते हैं, right? So first of all is it when it is known to the listener, right? When it is known to the listener means जब हम अपने sentence में या अपनी बात में, जो भी हम suppose हम किसी से बात कर रहे हैं, right? और जब हम किसी से बात कर रहे हैं और हमने अपने उस सेंटेंस में या हमने अपने उस बात में हम उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं अपने सेंटेंस में, और दोबारा उसके बारे में हम उसी सेंटेंस में या उसी बात में हम दोबारा उस पर्सन के बारे में या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर द आर्टिकल लगेगा. मीन्स व्हेन इट इज़ नोन टू द लिसनर्स, राइट. व्हेन इट इज़ known, already known, when it is known to the listeners, K-N-O-W-N, when it is known to the listeners, right? So known to the listener, मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, सपोज मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, और अपनी बात में जब मैं बात करते हुए अगर मैंने सपोज मैंने एक बैग के बारे में बात की है, राइट, ले और उस बैग के बारे में मैं एक बार अपनी सेंटेंस में बात कर चुकी हूँ और दोबारा उसी बैग के बारे में मैं मेंशन कर रही हूँ, राइट, तो वहाँ पर मैं द लगाऊंगी. फॉर एग्जांपल, रीमा हैज़ अ 9-year-old son, राइट. रीमा हैज़ अ 9-year-old son. मैं यहाँ पे रीमा के सन के बारे में बात कर रही हूँ. रीमा हैज़ अ 9-year-old son, राइट. अब मैंने यहाँ पे अ लगाया है और अ भी हमारा क्या है, आर्टिकल है. 9-year-old son, 9 के आगे हमने अ लगाया है, बिकॉज एन क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट, राइट. ये हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, एन क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो यहाँ तो मैंने अ लगाया है, लेकिन आगे सेंटेंस ध्यान से सुनिए. रीमा हैज अ 9-year-old son, राइट. यू हैव पुट अ बिफोर 9, यहाँ पे आपने 9 के आगे अ लगाए. The boy wants to be an astronaut. वो जो लड़का है उसका, जो रीमा का बेटा है, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. अब यहाँ पे, यहाँ मैंने बॉय के आगे द लगाया है. क्यों? क्योंकि मैं जो भी आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपसे बात करते समय मैं ऑलरेडी रीमा के बेटे के बारे में एक बार बात कर चुकी हूँ. रीमा हैज़ अ 9-year-old son, राइट. रीमा हैज़ अ 9-year-old son. तो यहाँ पे तो मैंने आर्टिकल अ लगाया है. क्यों लगाया? क्योंकि मैं अभी उस लड़के के बारे में, उस रीमा के जो उस बेटे के बारे में मैं पहली बार बात कर रही हूँ. ओके, गॉट इट. पर उसी सेंटेंस में मैं उसी लड़के के बारे में दोबारा बात कर रही हूँ. द बॉय वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट मीन्स वही बेटा, रीमा का वो बेटा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. तो मैंने यहाँ पे इसलिए द लगाया है क्योंकि मैंने अब उस लड़के के बारे में स्पेसिफाई कर दिया, राइट. कैसे स्पेसिफाई कर दिया? रीमा का बेटा 9-year-old है, 9 साल का है. रीमा हैज़ अ 9-year-old son, राइट. रीमा का बेटा 9-year-old है, मैं एक बार उसके बारे में बता दिया. नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिज सन इन द सेम सेंटेंस. द बॉय वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट, वो लड़का एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है. मतलब मैंने उस एक
उसी एक इंसान के बारे में, उस एक पर्सन के बारे में मैंने अपने सेंटेंस में दो बार बात की है, राइट। लेकिन जब पहले बात की तब मैंने एक नॉर्मली बात की कि रीमा का बेटा 9 साल का है, तो उसके साथ मैंने जो है 9 ईयर ओल्ड सन है, तो उसके साथ मैंने सिर्फ अ लगाया, जो जो कि आपका आर्टिकल है, राइट। लेकिन जब दोबारा मैं उसी के बारे में अपने एक ही सेंटेंस में दोबारा बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने द लगाया। तो मेरा सेंटेंस एक बार आप फिर से सुन लीजिए, रीमा हैज अ 9 ईयर ओल्ड सन, द बॉय वॉन्ट्स टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पे हमने द का यूज किया है, राइट। तो इट मीन्स द, पहला यूज द का कहाँ पे है, वेन इट इज नोन टू द लिसनर, नोन KNOWN, ये याद रखिए, वेन इट इज नोन टू द लिसनर मीन्स जब आप एक चीज के बारे में, एक चीज के बारे में या एक इंसान के बारे में आप ऑलरेडी अपने सेंटेंस में बात कर चुके हैं और दोबारा उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब दोबारा बात, पहले बात करते हुए नहीं, जब दोबारा उसी के बारे में बात करेंगे तब हम वहां पर लगाएंगे द, जब नोन टू द लिसनर। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट यूज, जहां पे हम द लगाते हैं। इसका मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, दिस इज द वॉच दैट माय सिस्टर गेव मी फॉर माय बर्थडे। ये वो वॉच है जो मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पर दी, राइट। अब यहाँ पे मैंने द, अब आप बोलेंगे कि मैंने तो इस वॉच के बारे में पहले तो बात की नहीं सेंटेंस में, मैं फिर भी द लगा रही हूँ, दिस इज द वॉच, राइट। ये आप क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि मैंने पहले तो वॉच जो है वो, इस वॉच के बारे में मैंने पहले तो बात कही करी नहीं सेंटेंस में, लेकिन मैं तब भी उसके आगे द लगा रही हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको नोन बना दिया। कैसे नोन बना दिया, ये वॉच जो मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पर दी थी, मतलब आप उसको किसी भी तरह से आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो, राइट। किसी भी तरह से आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो तो वहां पे आप द लगा देंगे, राइट। आपने एक चीज को, उस चीज को इस तरह से अपने सेंटेंस में या अपनी बात में मेंशन किया है कि वो स्पेसिफाई हो गई, राइट, कि आपने उसको सुनने वाले को नोन बना दिया, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर आपने उसको नोन बना दिया। मैंने इस बात को, इस घड़ी को, इस वॉच को मैंने नोन कैसे बना दिया, ये घड़ी मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, राइट। दिस इज द वॉच दैट वॉज गिवन टू मी बाय माई सिस्टर ऑन माई बर्थडे, ये वो घड़ी है जो मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पर दी थी, ये वॉच वो वॉच है जो मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे पर दी थी। तो मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया है, द वॉच क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, मैंने मेरे सामने जो सुनने वाला था मैंने उसको और क्लियर कर दिया और उस वॉच को स्पेसिफाई कर दिया कि ये वो घड़ी है जो मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, राइट। अगर मैं सिंपली बोल रही हूँ दिस इज़ अ वॉच, दिस इज अ वॉच, राइट, बिकॉज डब्ल्यू इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो मैं उसके आगे अ लगाऊंगी, पर मैंने उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, मैंने उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दिया ताकि सुनने वाले को और मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उस चीज़ को नोन बना दिया, राइट। मैंने उस चीज़ को नोन बना दिया, राइट। कैसे नोन बना दिया, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दिया, राइट, कि ये घड़ी मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी, ये वो घड़ी है, राइट। तो उसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो पहला पॉइंट जहाँ पे हम द लगाएंगे वो है नोन। जब हम एक चीज़ को अपने सेंटेंस में इस तरह से बताते हैं या इस तरह से स्पेसिफाई करते हैं कि वो नोन बन जाती है, राइट, कि वो सुनने वाले को नोन बन जाती है, राइट, तो पहला वहाँ पे आप द लगाएंगे। दूसरा जो है, बहुत जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है यूनिक। यूनिक चीज़ों के आगे आप द लगाएंगे। UNIQUE, unique, you, I hope the board is visible to you, right? UNIQUE, unique, unique चीज़ों के साथ हम द लगाएंगे। अब unique क्या है, unique मतलब जो आप पहला ये कह सकते हो, जो इससे आपको जो इजी हो जाएगा, जो एक है, जो पूरी दुनिया में एक ही है चीज़, राइट, तो वो यूनिक हो गई, ओके। जो पूरी दुनिया में, जैसे हम कभी किसी को मजाक में भी बोल देते हैं, यार ये तो यूनिक है, राइट, और तुम एक यूनिक पर्सन हो, राइट। हम एक बार मजाक में भी बोल सकते हैं कि ये दुनिया में एक ही है, ऐसा या ऐसी दुनिया में एक ही है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे यूनिक हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो दुनिया में एक ही है, एक ही चीज़ है, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जैसे सन,
मून, यूनिवर्स, राइट। अब ये सन जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, और सन तो नहीं है। मून जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, वो भी नहीं है। यूनिवर्स, यूनिवर्स मींस पूरा जो आपका ये जो दुनिया है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक ही है, वो और तो नहीं है। तो उनके आगे हम द लगाएंगे, राइट, जो मतलब कि आप कह सकते हो पूरी दुनिया में जो एक है। स्काई, राइट, स्काई, द स्काई इज ब्लू। मैंने स्काई के आगे द क्यों लगाया, बिकॉज स्काई जो है वो यूनिक है। द स्काई इज ब्लू, द मून इज लुकिंग ब्यूटिफुल, राइट, द मून इज लुकिंग ब्यूटिफुल। सो मैंने द मून के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि मून जो है वो एक ही है, राइट। मून जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक अलग मून है और किसी और कंट्री में एक अलग मून है, सब कंट्रीज का अपना अपना एक अलग मून है, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो मून जो है वो एक ही है, तो इसीलिए द मून। ऐसे ही सन जो है वो एक ही है, इसलिए द सन, राइट। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग ब्राइट, राइट। तो मैंने यहाँ पे सन के आगे द लगाया है। तो जो यूनिक चीजें होती हैं उनके आगे हम द लगाते हैं, राइट। जैसे गवर्नमेंट के आगे हम द लगाएंगे, पुलिस के आगे हम द लगाएंगे, राइट। सो ये ऐसी कुछ जो यूनिक चीज़ें हैं उनके आगे हम द लगाएंगे। तो मैंने आज आपके साथ दो यूज डिस्कस किए हैं द के, पहला नोन एंड दूसरा यूनिक, राइट। हम आज सिर्फ ये दो यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द कहाँ यूज होता है, नोन चीज़ों के आगे। नोन हम उनको कैसे बना देते हैं, हम अपने सेंटेंस में उनको इस तरह से बताएंगे, इस तरह से उसको सामने वाले को इलाबोरेट करेंगे, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देंगे, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, उसके आगे हम द लगा देंगे, क्योंकि वो एक नोन बन जाएगा सामने सुनने वाले के लिए, वो एक नोन बन जाएगा, राइट। और दूसरा यूज़ हमने क्या बताया है, दूसरा यूज़ है यूनिक चीज़ों के आगे। यूनिक चीज़ों के आगे द लगता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, राइट। सो इन चीज़ों के आगे हम द लगाएंगे, द गवर्नमेंट, राइट, सो द एनवायरनमेंट। सो ये जो यूनिक चीज़ें हैं इनके आगे द लगेगा। तो अभी आज मैं सिर्फ, क्योंकि द जो है ये बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर इसके बारे में भी मैं और बताऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आज मैं सिर्फ दो यूजेस के बारे में आपको इलाबोरेट कर रही हूँ, दो यूजेस के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पहला यूज़ द हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम अपनी चीज़ों को, हम अपनी अपने सेंटेंसेस में या अपनी बात में हम सुनने वाले को अपनी चीज़ को नोन बना देते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम नोन बना देते हैं, उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं, वहाँ पे द लगेगा। और दूसरा हम द कहाँ लगाएंगे, यूनिक चीज़ों के आगे, राइट। यूनिक चीज़ों के आगे हम द लगाएंगे, जो चीज़ें एक ही हैं पूरी दुनिया में, एक ही हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, राइट, वो पूरी दुनिया में एक ही है, वहाँ पर हम द लगाएंगे। तो प्लीज़ ये दो यूजेस आप आज अच्छे से इसको सुनिए, समझिए। कुछ आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको और इलाबोरेट करने की कोशिश करूँगी, राइट। लेकिन अभी द के और बहुत यूजेज़ हैं, द के बारे में भी हमें और बातें करनी है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। सो ये मेरा आज का जो लेसन नंबर 3 था वो सिर्फ इतना ही है। प्लीज़ चाहिए इस वीडियो को देखिए, और अब जो लास्ट वीडियोज़ हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2, प्लीज़ उनको भी आप चेकआउट कीजिए, राइट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ पुट दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव आंसर टू दोज क्वेश्चंस, राइट, एंड आई विल आंसर टू योर क्वेरीज, आई विल आंसर टू योर डाउट्स, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।